बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। देखिए, क्रोशे से मैंने खूबसूरत सा फ्लावर इस तरह का बनाया है, जो कि कम टाइम में मेरा रेडी हुआ है और बहुत ही प्यारा बनने के बाद ये लग रहा है। और फ्रेंड्स, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगी तो ये बहुत ही प्यारा आपके पैटर्न को लुक देगा। तो अगर आप फ्रेंड्स पहली बार चैनल पे आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे और कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करती हैं। 5 नंबर मेरा क्रोशिया है और पिंक कलर के थ्रेड से ही मैं इसकी फर्स्ट पेटल जो है बनाऊँगी। तो इस तरह से हमने थ्रेड को लेना है और 2 फिंगर्स पर 2 टाइम हमने रैप करना है थ्रेड को इस तरह से, ठीक है। और सेकंड लूप्स को, सेकंड वाले थ्रेड को हमने इस तरह से पकड़ना है, फर्स्ट वाले लूप्स के नीचे से हमने इस तरह से निकालते हुए क्रोशे में ओवर करना है इस तरह से। ये मैजिक रिंग हमारी बन चुकी है और इसमें हमने एक चैन लेने के बाद इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इस मैजिक रिंग में टोटल हमने 8 सिंगल क्रोशे बनानी है इस तरह से, ठीक है। आप बनाते हुए 8 इसके सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैजिक रिंग बनाना मुश्किल लगता है तो इंशाल्लाह कल मेरी वीडियो जो आएगी, मैंने 2 तरीके से मैजिक रिंग बनाना उसमें बताए हैं। तो आप अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी कल वाली वीडियो भी आपसे मिस ना हो। आपको मैजिक रिंग बनाने में अगर थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इजीली बना सकते हैं इस वीडियो को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने फर्स्ट लूप्स में क्रोशा डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लिया है। 1, 2, 2 चैन लेने के बाद देखिए 2 चैन हमने ले ली हैं और फर्स्ट वाली चैन में हमने इस तरह से क्रोशा डालना है। इस तरह से क्रोशा डाल के एक लूप्स हम बनाएंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने बैक साइड पर, पीछे की साइड पर क्रोशा डाल के एक लूप्स फिर से बना लेना है। और उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने नॉर्मल क्रोशा डाल के जैसे लूप्स अपने बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से 2-2 करके हमने लूप्स इसके ओवर करनी है इस तरह से। फिर से हमने बैक साइड पे क्रोशा डाल के लूप्स अपने बनानी है इस तरह से। देखिए, बैक साइड पे ही पीछे की साइड पे क्रोशा डाल के लूप्स अपने बनानी है और नेक्स्ट स्टिच में हमने नॉर्मल जैसे हम डाल के क्रोशा अपने लूप्स बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। अब 2-2 करके हमने इन फंदों में से क्रोशा निकालते हुए अपने लूप्स जो हैं कंप्लीट करनी है। देखिए, आपको लूप्स के ऊपर जो एक तार सी नज़र आएगी ना, आप उसी में क्रोशा डाल के इस तरह के लूप्स बना लीजिएगा इस तरह से। अभी शायद आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत लगे देखने में, समझने में, जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ही बनाना है। 2-2 करके हमने इन फंदों को ओवर करने हैं। तो एक रो ये भी हमारी बन चुकी है। देखिए, आपको लूप्स के ऊपर इस तरह की एक तार नज़र आएगी तो आप उसी में से क्रोशिया डाल के इस तरह के लूप्स बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। बैक साइड पे क्रोशिया डालते हुए अपने लूप्स हम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हमने फिर से इसे क्रोशिया डालना है और अपना लूप्स बनाना है। अब 2-2 करके इन सारे लूप्स को हमने ओवर कर लेना है। तो ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही इजी पैटर्न है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और आपको ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट करके प्यारा सा मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा, ठीक है। अब बैक साइड पर फिर से हमने क्रोशिया डालते हुए अपने लूप्स जो हैं बना लेनी है इस वाली रो के लिए इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टिच में हमने क्रोशिया डाल के फिर से अपना एक लूप्स जो है बना लेना है, देखिए इस तरह से। अब 2-2 करके हमने इस वाली रो को भी इस तरह से कंप्लीट करना है। 2 फंदों में से क्रोशिया निकालेंगे, ठीक है। अब फिर 2 फंदों में से क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह 2-2 फंदे करके हमने इसमें ओवर करते हुए इस रो को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक इस तरह से, ठीक है। तो इसी शेप में हमने पूरा बनाना है फ्लावर्स। फिर हमने जो हमें लूप्स के ऊपर जो सरे नज़र आएंगे उन्हीं में हमने क्रोशिया डालते हुए इस रो को भी बना लेना है
इस तरह से, ठीक है। इसी तरह क्रोशे डालते हुए बैक साइड पे हमने अपने लूप्स बना लेना है। नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे और फिर से एक लूप्स बनाएंगे और फिर इन सारे लूप्स को दो दो करके हमने ओवर करना है इस तरह से। तो ये वाली हमारी जो रो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 7 हमने यहाँ पे रो कंप्लीट की हैं। तो यहाँ पे हमने 8 सिंगल क्रोशे बनाए थे, तो 8 ही हम इसकी जो है रो बनाएंगे, ठीक है। 8 रो हमने इसमें पूरी कंप्लीट करनी है। ये हमारे लास्ट रो है, सब में हमने इस तरह से बैक साइड पे क्रोशे डालते हुए इसके लूप्स जो है अपने क्रोशे में बना लेनी है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लास्ट वाला स्टिच है, बैक साइड पे हमने डालना है। और फर्स्ट जो हमने दो चैन ली थी, फर्स्ट टू चैन जो हमने ली थी उसकी फर्स्ट वाली ही चैन में हमने क्रोशिया डाल के इसको ज्वाइन करना है। देखें फर्स्ट जो हमने चैन ली थी उसकी सेकंड चैन में देखें इस तरह से क्रोशिया डाल के फर्स्ट चैन में ही क्रोशिया डालना है और इस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब दो दो करके फिर से हमने इसके जो लूप्स हैं ओवर करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत ही फ्रेंड्स इजी हैं, इसकी पेटल्स बनाना बहुत इजी हैं, बहुत जल्दी बनती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ये वाली पेटल जो है हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसकी सेकंड चेन में हमने फर्स्ट चेन में ही हमने इसको क्रोशे को डाल के ज्वाइन किया है, तो ये बहुत ही गुलाई वाली शेप में आ चुकी है पेटल। एक्स्ट्रा थ्रेड जो है हम कट कर देंगे और इस वाले थ्रेड को हमने बैक साइड पे क्रोशे के साथ एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने क्रोशे में अच्छे से इसको एडजस्ट करके मैजिक रिंग वाले थ्रेड को भी हम अच्छे से यहाँ पे अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहाँ भी कट कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी जो है फर्स्ट पेटल रेडी हो चुकी है और इसी के साथ की मैंने और 4 और पेटल जो है बना लेनी है। तो टोटल इस फ्लावर में जो है 5 पेटल हमने बनानी है। अगर आप दो कलर में पेटल इसकी बनाएं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए किस तरह से ये बनी हुई है, 3 या 4 आप इसकी रो बना के, देखिए 3 या 4 आप इसकी रो बना के इसका थ्रेड जो है चेंज कर लीजिए और सेम पैटर्न पे ही पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो दो कलर की पेटल भी आप इस तरह से बना सकती हैं चाहे तो। हाँ अब नीडल लेंगे और इन पेटल को हम स्टिच करके फ्लावर शेप में लाएंगे। देखिए 5 जो है हमने पेटल बना ली हैं, अब इसको स्टिच करेंगे इन सारे पेटल्स को और फ्लावर शेप में हम इसको बनाएंगे, ठीक है। नीडल में हमने थ्रेड डाल लिया है और इसको हमने इस तरह से फ्रंट में पकड़ना है बीच में पकड़ते हुए इस तरह से हल्का सा आपने पकड़ना है, ज़्यादा इसको दबाना नहीं है। 2 या 3 लूप्स में ही आप इसको इस तरह से नीडल डालते हुए स्टिच कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरी पेटल को भी हमने सेम इसी तरह सेंटर में इस तरह से पकड़ना है और नीडल डालते हुए इसको भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो हो गई, अब हम इसकी तीसरी पेटल को भी इस तरह से डालेंगे इस तरह से, ठीक है।
सेम पैटर्न पे ही इसको सारे पैटर्न्स को हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पे पूरे हमने फ्लावर्स के जो पैटर्न है वो सारे डाल लिए हैं हमने थ्रेड में, और थ्रेड को अच्छे से खींचते हुए पीछे की साइड पे हमने इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हम इसको बाई साइड पे दो तीन टांके लगा देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिच हो जाए। नॉट लगाते हुए इस थ्रेड को हमने इस तरह से बना लेना है, और एक्स्ट्रा थ्रेड यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो ये हो गया। अब हम ग्रीन कलर के थ्रेड से इसके बीच वाला एरिया जो है वो हम बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ग्रीन कलर के थ्रेड को नीडल में डाल लेना है इस तरह से, बीच में हमने निकालना है, सॉरी। और हम यहाँ पे थ्रेड को नॉट लगा देंगे, ठीक है। बीच में हमने निकालना है थ्रेड को, और यहाँ पे देख लीजिए दो चैन का गैप हम देंगे। दो चैन स्किप करते हुए सेकंड चैन में हमने डालना है इस तरह से, इस तरह से बनाएंगे। और सेम दूसरी पैटर्न पे भी हमने इस तरह से तीसरी वाली चेन में से निकालना है, और इस तरह से सेंटर में डाल लेना है। तो इसी तरह हर पैटर्न के तो जो तीसरी चेन है उसी में से हमने डालते हुए सेंटर में निकाल लेना है। तो ये एक बराबर ये सारी जो हैं लूप्स बन जाएंगे बीच में। इस तरह से ठीक है। अब हम इस वाली पेटल की इस तरह से तीसरी चैन में हमने नीडल को निकालना है, ठीक है। और सेम पैटर्न पे ही पूरा यहाँ पे बनाना है। बीच में थ्रेड को निकालेंगे और बीच में इस तरह से डालते हुए हम आप इसको सेकंड जो है पैटर्न में उसमें डालेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसी पैटर्न पे। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूरा जो है फ्लावर कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत बनने के बाद ये लग रहा है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वाला फ्लावर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।